वैदिक गणित जीवन के हर क्षेत्र में हर समय काम आता है। वैदिक गणित के कुछ 15-17 सूत्र हैं, जिसने वो सीख लिए जिंदगी में उसको कभी कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, चाहे गणना 10 अंकों की हो या 20 अंकों की हो। आपको मालूम है आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग बड़े गणिताचार्य हैं और उनके यहां भीड़ लगती है और पैसा देके उनका दर्शन होता है। एक माता जी है, उनके पास मैं एक बार गलती से चला गया था, उनका नाम नहीं बताना चाहता। वो गणित की बड़ी विशेषज्ञ हैं, फटाक से कैलकुलेशन करती हैं, तो उनके यहां दर्शन करने के लिए हजारों रुपए लगते हैं। चला गया मैं भी एक किसी के साथ, जो मेरे साथ में थे वो अच्छे पैसे वाले आदमी थे, उन्होंने कहा चलो राजीव भाई आपको उनका दर्शन कराते हैं। मेरी उत्सुकता थी कि वो गणनाएं बहुत तेज करती हैं, उनको 10 अंकों की गणना दे दो, 15 की दे दो, 20 की दो, फटाक से करती हैं। तो वो गए और उन्होंने कुछ चमत्कार सा दिखाना शुरू किया। धीरे से मैंने पूछ लिया, आपने वैदिक गणित सीखा है क्या? उनका तुमको कैसे मालूम वैदिक गणित में ये सब है? मैंने कहा मैंने सीखा तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ आचार्यों के मुंह से सुना है, कभी कभी गुरुकुलों में जाता रहता हूं, वो चर्चाएं करते हैं कि बड़ी से बड़ी गणनाएं वैदिक गणित के सूत्रों से हल होती हैं, और बाद में मैंने करके भी देखा सच में होता है। तो वैदिक गणित के सूत्रों को सीख कर वो करोड़पति नहीं अरबपति है। और अमेरिका में उनके कैंप होते हैं, यूरोप में कैंप होते हैं, जगह जगह कैंप होते हैं, हजारों रुपए की फीस लगती है। वो वैदिक गणित जिंदगी के हर समय हर क्षण हर पल काम आता है। भारत के विश्वविद्यालयों में और भारत के विद्यालयों में हजारों लाखों करोड़ों साल से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक विषय होता था खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र, जिसको हम लोग आजकल अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जीवन के हर समय हर पल हर क्षण ये काम आता है। इसी तरह से एक विषय है कृषि विज्ञान, जीवन को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका है। एक विषय है धातु विज्ञान, जिसको मेटलर्जी कहा जाता है। बिना इस विषय के आप कोई तरक्की कर नहीं सकते। दुनिया का सबसे पहला पहिया बना भारत में, जिसको व्हील कहते हैं, और धातु का पहिया भी सबसे पहला भारत में ही बना, क्योंकि मेटलर्जी का विकास 10,000 साल से इस देश में हुआ है। तो हमारे यहां धातु विज्ञान था, मेटलर्जी था, वैदिक गणित था, कृषि विज्ञान था, एस्ट्रोनॉमी था, एस्ट्रोफिजिक्स जो लेटेस्ट आधुनिक विज्ञानों में माना जाता है, वो यहाँ के गुरुकुलों में, चिकित्सा विज्ञान था। सर्जरी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी। आपको सुनकर हैरानी होगी, अंग्रेजों ने सर्जरी हमसे सीखी, अंग्रेजों ने एस्ट्रोनॉमी हमसे सीखी, अंग्रेजों ने वैदिक गणित हमसे सीखा, अंग्रेजों ने मेटलर्जी हमसे सीखी। ये सारे विषय अंग्रेज हमसे सीख कर गए। और पहला स्कूल जो बना है वो, और जो पहला विश्वविद्यालय बताता हूँ, फिर स्कूल बताता हूँ, फिर कॉलेजेस बताता हूँ। सबसे पहला विश्वविद्यालय जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना, वो भारत के विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में एक उन्होंने तंत्र देखा, उसको अंग्रेज लोग डिफाइन करते हैं मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम। ये मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम की एक विद्यार्थी है, गुरुजी ने उसको तैयार कर दिया, अब वो पूरी कक्षा को पढ़ा रहा है। होता है कि नहीं? बचपन का याद है, 2 + 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, एक विद्यार्थी खड़ा हो गया और पूरी क्लास उसके पीछे पीछे गा रही है और गाते गाते सीख रही है। माने गुरु किसी और को पढ़ा सकता है, एक शिष्य पूरी कक्षा को पढ़ा रहा है। इसको मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। अंग्रेज कहते हैं दिस इज द यूनिक इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी देश में यह मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जहां गुरुकुल का एक गुरु अगर है, उसने अपने कुछ शिष्य तैयार कर दिए, वो हजारों शिष्यों को पढ़ाएंगे। माने एक गुरु भी है तो गुरुकुल चलता रहे। अभी भी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ अष्टाध्यायी महाभाष्य और ये पढ़ाते हैं, तो एक गुरुकुलों में तो अभी भी ऐसा ही है। तो ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, और 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल हमारे यहाँ थे, जो माध्यमिक स्तर के, जिनको आज हम इंटरमीडिएट कॉलेज कहते हैं, 7 लाख के आसपास वो थे। और इन सारे गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 97 से 98 था। जो अभी साक्षरता की बात की जाती है ना पूरे देश में, लिटरेसी रेट 97 से 98% था। स्त्रियों की, महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की संख्या भाइयों से ज्यादा थी सभी गुरुकुलों में। आप सुन के हैरान हो जाए। और एक और बात कहूं, शूद्रों की संख्या ब्राह्मणों से ज्यादा थी सभी गुरुकुलों में।
60% शूद्र थे और 40% में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों आते थे। किसी भी शूद्र को कभी भी शिक्षा लेने से रोका नहीं गया इस देश में, और वो पढ़ने के बाद वो ब्राह्मण कहलाता था। हाँ, शूद्र वो हमारे यहाँ जो शूद्र है कोई नीचा नहीं माना गया, जन्म से नहीं कर्म से माना जाता। हाँ, सब कुछ कर्म से है और वर्ण व्यवस्था वाला। तो ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी, बहुत सुंदर देश था। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक कानून ने तोड़ दिया, उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और ये कानून 1840 में लागू हुआ। मैकॉले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसने भारत के गुरुकुल जो संस्कृत आधारित होते थे, जिनमें पढ़ने और पढ़ाने की भाषा संस्कृत होती थी, उन गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया, इल्लीगल घोषित किया, और गुरुकुलों को दान देने वाले जो लोग होते थे उनको जेलों में बंद करना शुरू किया। गुरुकुलों के जो शिक्षक हुआ करते थे, तलवार से उनकी उंगलियां काटी गई, उनके हाथ काटे गए, उनको जिंदा जलाया गया, उनके घर फूंक दिए। अंग्रेजों ने और मैकॉले ने इतना अत्याचार करके इस पूरी शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। फिर जब अंग्रेजों ने इसका धन देते थे, दान देते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा। हाँ, आपके पास अगर कोई गुरुकुल व्यवस्था है और समाज आधारित है, राजा का उसमें कोई योगदान नहीं था, समाज चलाता था इन गुरुकुलों को, तो समाज कैसे चलाएगा।